आज हम पिजन की स्किन और इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्किन और इंटेग्यूमेंट ऑफ पिजन कोलंबा, पिजन की जो स्किन होती है शुष्क होती है, ड्राई लूज ढीले रूप से बंधी होती है बॉडी पर, हार्ड होती है और पतली होती है। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, जैसे और हमने और स्किन फ्रॉग की रेप्टाइल स्किन में पढ़ा था, स्किन दो पार्ट्स की में बटी होती है, आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस। तो ये भी पिजन की इंटेग्यूमेंट भी दो भागों में बटी होती है, दो भाग पाए जाते हैं, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस। आउटर एपिडर्मिस ये कई लेयर्स की बनी होती है, कई परतें पाई जाती हैं इसमें। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बाहर की ओर, जो सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, आउटर मोस्ट लेयर, और इसको कहते हैं एपिट्रिशियम, एपिट्रिशियम ये फ्लैटेन डेलिकेट सेल्स की एक सिंगल रो की बनी होती है। फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं, डेलिकेट होती हैं और इनकी सिंगल रो पाई जाती है, एक पंक्ति पाई जाती है फ्लैट डेलिकेट सेल्स की, जिसके द्वारा जो आउटर मोस्ट लेयर है बनी होती है और जो मिडल लेयर और इसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम ये हॉर्नी होती है और प्रोटेक्टिव होती है और बनी होती है फ्लैट कॉर्निफाइड सेल्स की, जिनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है, डेड प्रोटीन क्रिएटिन पाया जाता है। कॉर्निफाइड सेल्स सबसे अंदर की जो इनर लेयर है एपिडर्मिस की, इनर लेयर ये लार्ज सिलेंड्रिकल
इससे ये फैदर का फॉर्मेशन होता है।